अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत सारी बातें आप लोग से शेयर करनी थी, जैसे कि आप लोग रोज़ा रख रहे होंगे, नमाज़ पढ़ रहे होंगे, दुआएं भी कर रहे होंगे, तो उन गरीबों को भी याद करिए, वो बेचारे जो परेशान हैं, जिनको खाना भी नहीं नसीब हो रहा है, जो पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिनके लिए ईद बहुत ही मुश्किल से होती है, उन लोग का भी आप लोग ख्याल रखें। उन लोग को भी जहाँ कहीं भी आप लोग को लगे कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, उनकी हेल्प करिए, ठीक है। तो यही सब आप लोग को बताना है। बाकी आज के व्लॉग में आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए, हाय गाइस यार, आज का व्लॉग आज मुझे देखो, सुबह मैं उठा हूँ, उसके बाद नहा धो के फ्रेश हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ी, बोलने ही भूल गया कि जुमा मुबारक हो आप सभी लोगों को। आप लोग भी जुमे की नमाज़ पढ़ने गए होंगे सभी लोग। शक्ल पे ना जाओ मेरी, मेरी शक्ल पे मत जाओ भाई, क्योंकि आजकल रमज़ान का टाइम चल रहा है और दाढ़ी वाड़ी भी मैंने बड़ी कर रखी है, इसलिए आप लोग को लग रहा हो कि साला झूठ बोल रहा है, नहाया वाया नहीं है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। दाढ़ी आड़ी भी बड़ी कर रखी इस वजह से, और नहीं पता लग रहा होगा सबको। तो यार आज क्या करना है, यार जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, देख सकते हैं। पहले वजू बनाते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ने चलते हैं। सुबह से तक कुरान पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा असर का टाइम है और टाइम मिला है, कुरान पढ़ लेते हैं, बाकी है मेरा पारा। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। पढ़ के अभी भी आ रहे हैं असर की, थोड़ी सी तिलावत भी कर ली है कुरान की, अब दुकान जा रहे हैं, देखते हैं। इसके बाद अफ्तार का टाइम होगा फिर, ठीक है, मिलते हैं फिर अभी। यार ये है दुकान के बाहर का नज़ारा, कुछ इस तरीके का है रोड, देख सकते हैं आप लोग हमारी दुकान के बाहर। इस सामने यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है अरबी में तमीनात बेत, ये बकाला है यहाँ का, इसको बोला जाता परचून की दुकान। यहाँ इसके अंदर घुसोगे तो आप लोग को सब कुछ मिलेगा, जो कुछ आप लोग को चाहिए खाने पीने का सारा आइटम। और ये यहाँ पे दुकान खुली है नई इस्तानबुल खुदार, और ये भी पकड़ सामने होटल खुले होंगे, ये शौरमा क्लासिक शौरमा खुला हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। ये सब दुकानें हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, बस मेन रोड पर ही दुकान है हमारी। इस भाई को भी ये वीडियो अगर रियाद में कोई देख रहा है, ख़ास करके सुवेदी में कोई अगर मिलने वाला है तो मिलना चाहता है तो मिल सकता है हमसे, ठीक है। मैं कभी भी उसे मना नहीं करूँगा, जो भी मिलना चाहता है मिल सकता है, ठीक है। ये है जगह रियाद सुवेदी, रियाद सुवेदी, वीडियो देखकर आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। अभी रोज़ा अफ्तार के लिए रोज़ा अफ्तार के लिए जा रहे हैं हम लोग, सब लोग देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी में आज लेट हो गए हैं थोड़ा, पता नहीं रास्ते में अजान हो सकती है, बहुत हो गया। आप रोज़ा अफ्तार बाद नमाज़ पढ़ के उसके बाद बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।